9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सिपाहियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें भारतीय सैनिकों के घायल होने की खबर सामने आई है। इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस और तस्वीरें तवांग में हुई झड़प की बताकर शेयर की जाने लगी। आज के इस वीडियो में ऑल्ट न्यूज आपको ऐसे ही दो दावों की सच्चाई बताएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस तस्वीर की। इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि चीन के 20 सैनिक मारे गए और ये उसी की तस्वीर है। खुद को भारतीय उपमहाद्वीप की विदेश नीति और सुरक्षा के ऑब्जर्वर बताने वाले अंकित शाह ने ये तस्वीर इसी दावे के साथ ट्वीट की। बहरहाल ऑल्ट न्यूज को ये तस्वीर 2010 के इस चीनी वेबसाइट के आर्टिकल में मिली। रिपोर्ट के मुताबिक 7 सितंबर को चीन के सिचुआन में जंगलों में आग लग गई थी, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में चीन के 15 सैनिक थे और ये उन्हीं सैनिकों की तस्वीर है। सिचुआन के जंगलों में आग लगने के कारण 15 चीनी सैनिकों की मौत हो जाने की खबर इंडिया टुडे ने भी दी थी। अब बात करते हैं इस वीडियो की। 在前出交涉和激烈斗争中, 团长齐发宝身先士卒身负重。 बीजेपी के मुंबई माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष वसीम आर खान ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे लगभग 20 सैनिक घायल, लेकिन भारतीय सेना ने 200 चीनी सैनिकों को दबाकर ठोका। ध्यान देने वाली बात है कि वसीम आर खान ने ट्वीट में तवांग का नाम नहीं लिया है। वहीं और भी कई फेसबुक और ट्विटर यूजर्स ने ये वीडियो शेयर करते हुए इसे अरुणाचल प्रदेश का बताया है। हालांकि वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने इसके फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च किया और हमें द इंडिपेंडेंट का 26 फरवरी 2021 का ये आर्टिकल मिला। इसमें वायरल वीडियो का ये स्क्रीन ग्रैब शामिल है। वहीं बताया गया है कि चीन और भारत के विदेश मंत्री विवादित सीमा पर तनाव खत्म करने के उपायों के बारे में सोच रहे हैं। गौर करें कि भारत और चीन की सीमा पर 2020 की गर्मियों में झड़प हुई थी। स्काई न्यूज ने रिपोर्ट किया था कि चीन ने पहली बार साल 2020 की भारत सीमा पर हुई झड़प में अपने 4 सैनिकों की मौत होने की बात स्वीकार की है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी अपनी वीडियो रिपोर्ट में वायरल वीडियो दिखाया है। मनी कंट्रोल की इस रिपोर्ट में वीडियो में दिख रहे घायल चीनी सैनिक की पहचान क्यू फबाओ के रूप में की गई है, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तवांग सेक्टर में हाल में भारत और चीन के सिपाहियों के बीच हुई झड़प का बताकर शेयर किया गया ये वीडियो और तस्वीर, दोनों ही पुरानी घटनाओं के हैं।